डांस करता है, ये है बाबा के दरबार में जाता है। बाबा के दरबार में जाके बाबा से कहता है कि बाबा, बड़ी अरदास लेके बाबा के दरबार में तो सभी लोग जाते हैं, माँ के दरबार में सभी लोग जाते हैं कि माँ से मनोकामना के लिए। आर्यन भी गया है। आर्यन, तुम जाके क्या मांग रहे हो? मैं हराध हूँ। क्या मांगते हो बाबा के दरबार में जाके? मैं हराध हूँ। बताइए, पढ़ाई वाले उम्र में ये मेहरारू जाके मांग रहा है? अभी से ये चिंता है रुपेश जी, छोटे छोटे बच्चों को भी अभी से चिंता है कि पता ना। देख रहे इसके चेहरे पे नमी है, इसके चेहरे पे थोड़ी सी नमी है, क्योंकि इसके घर में एक बहू की कमी है। क्या परफेक्ट पकड़े थे, क्या परफेक्ट। आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं। अरे दूध के दांत टूटते नहीं, सीधे नोंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, एक बार जोर जोर ताली रुपेश जी के लिए बजा दीजिए। जो नहीं रखेंगे कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा, इसलिए या खुदा इस बच्चे को सलामत रखना, वरना जब उनकी शादी होगी तो नोंगी डांस कौन करेगा, यही करेगा ना। सही बात है, बहुत अच्छा डांस होता है। और कोई छोटा एक और बच्चा होगा तो जरा उसको भेजिएगा। इसका नोंगी डांस उड़वा करेगा, उड़वा। अरे वाह, अच्छी बात है। और बच्चा कोई छोटा बच्चा हो तो भेज दीजिएगा एक और। अरे चुनरी तो नहीं है, मैं सच्ची बता रही, देखने में बच्चा है कि मेरा भी चच्चा है। अरे ताली बनाने में जयकारा लगाने में पिछला पुरुषों से अच्छा है, किसी को नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा। अच्छा यहाँ भी समझते हैं क्या? देखा जो बोले वो बूढ़ा बाबा की हम आए क्या? अच्छा भोला बाबा आप बन जाइए। अच्छा भोला बाबा बुला के? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, रियल भोले बाबा तो है ही। भोला बाबा यही है कहीं। कहाँ गए भोले बाबा? आ जाइए। अच्छा एक छोटा लड़का है, बाबा के दरबार में पहले माँ के दरबार में जाता है रुपेश जी। माँ से बोलता है कि माँ, नवरात्र आया था, नौ दिन आपकी पूजा पाठ किया था, मैं मेरी मम्मी भी की थी, मेरी बहन भी की थी, लेकिन उन लोगों ने जो मांगा आपने जल्दी दिया नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ। अपने दोस्त से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, माँ ने तो हमें अभी दिया नहीं जल्दी, क्योंकि माँ पहले देखती है कि हमको सोच समझ के देना है, बच्चों को क्या देना है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है बताओ कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे वही भोले भंडारे के पास जाओ, जो सबकी डोली भरते हैं, जो बहुत भोले होते हैं, जो भी मांगोगे भोले बाबा जल्दी दे देते हैं। देते हैं ना जी, जिससे पार्वती जी भी परेशान रहती है, गौरी माँ भी परेशान रहती है, कैसे पति मिले हुए हैं कि जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं। सोचते समझते नहीं है कि मेरी पत्नी कैसे जिएगी, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। तो लड़का बड़ा खुश होता है, बोलता है अरे भोले बाबा के दरबार में जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ मिल जाएगा। तो लड़का बड़ा खुश होता है और जा करके भोले बाबा के दरबार में जानते हैं क्या कहता है। बोले बाबा इतना विलम्ब कर रहे हैं आप, पता नहीं आप कौन से भक्ति में लीन हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार तो मैं भी जाना चाहता हूँ निशा जी। जी जिसकी बुलाहट होती है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे जी कि दिल में समाया बहुत लगता है, कि दिल में समाया बहुत लगता है और फिर वही शख्स पराया बहुत लगता है। अरे देवघर को मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ससुरा आने जाने में किराया बहुत लगता है। लेकिन बाबा भोलेनाथ आ गए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भोले बाबा के लिए। भोले बाबा भोलेनाथ की। भोले बाबा बड़ा गुस्सा में लग रहे हैं। भोले बाबा बोलते हैं ना आप, नाराज उराज तो नहीं है? अच्छा ये अबोध बालक है, इस बालक की कुछ फरमाइश है, कुछ चाहत लेकर के आपके दरबार में आए हैं, पूरा कीजिएगा ना बाबा। आपको सब बोलते हैं कि भोला बहुत भोला होता है, होता है ना जी? ऐसे ही भोला हमारे भोले बाबा भी यहाँ पर एक हैं, जो कि भोला बाबा एंटरटेनमेंट आप लोग समझ रहे होंगे, और दूसरे भोले बाबा यहाँ पर, दोनों भोले ही भोले हैं, मस्त मोले भोले। जैसी शकल भोले बाबा की है, भोले वाली, वैसी शकल इनकी भी है। लड़का दरबार में जाता है, आर्यन कैसे जाता है बाबा से क्या कहता है? किन किन को चाहिए मेरा सुनर? जल्दी से बताएंगे आप लोग, आपको चाहिए और किन को चाहिए?
अच्छा भोले बाबा थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए, क्योंकि इधर के लोग भी थोड़ा सा आपको देख रहे हैं। कान में लड़ाई हो रहा है ना जी, इतना नेता लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं कुर्सी के लिए, इतना सब कुछ हो रहा है और आप हमारे शंकर जी को ही बोल रहे हो, बताइए। कोई बात नहीं। अच्छा किन किन को चाहिए, कौन कौन भोले बाबा से प्यार करते हैं, हाथ उठा करके बताएंगे। जो जो प्यार करते हैं, जिनको भोले बाबा से प्यार होगा, जिनको भोले बाबा ने दोनों हाथ दिया होगा, जरा दोनों हाथ उठा करके बताएंगे। और जिनको एक हाथ दिए होंगे वो अपना एक ही हाथ उठाइएगा, और जिनको दोनों हाथ नहीं दिए होंगे तो भोजपुरी में बोला जाता अपन टंगड़ी उठा लेंगे। बात हो गई। जो नहीं उठाएगा उनको भोले बाबा की सौगंध है, भोले बाबा की कसम है, हाथ उठा लीजिए। दोनों हाथों को उठा करके कहा जाता है कि बाबा के दरबार में वही भक्त सुपर होता है, भोले बाबा के दरबार में वही भक्त सुपर होता है जिन भक्तों का दोनों हाथ। तो कौन कौन सुपर है जरा अपना हाथ ऊपर करके दिखाई है। बहुत लोग नीचे बैठे हैं, क्या वो पाकिस्तान से आए हैं क्या? आए हैं तो फिर भेज दिया जाएगा, ऐसे भी डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन उसके वहां जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो जरा दोनों हाथों उठा करके कहा जाता है कि जो जितना हाथ ऊपर उठाएगा, उठाइए तो सही साउंड वाले भैया आप भी उठाइए, पूरे पूरे हाथों को उठा करके। साउंड ये म्यूजिशियन लग गया, अभी आप लोग भी नहीं बजा रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा लीजिए। कहा जाता है कि जो जितना हाथ ऊपर उठाएगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। आपको नहीं जाना है ऊपर, आपको धरती पर रहना है, धरती पर रह के सिर्फ फोन से लाइव आइएगा तो क्या करें, क्या बनना है आपको? सबसे ज्यादा हाथ किसका ऊपर है जी? मेरा है ना, तो इसका मतलब कि आप लोग हमसे इतना दुश्मनी करते हैं कि सबसे पहले ऊपर मैं ही टपकूंगी। कितने प्यारे हैं, ओह थैंक यू। ये ऊपर जाने वाले मतलब तरक्की में भोले बाबा का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आप सभी पे पड़े। लड़का जाता है बाबा के दरबार में, कहता है क्या कि भोला पूछ लो उनको। देखिए दंडवत प्रणाम कर रहा है लड़का, देख लीजिए लड़का कैसे दंडवत प्रणाम कर रहा है। मेहरारू के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा लड़कों को। ये देखिए भोले बाबा के चरण में गिर रखा है। भोले बाबा ध्यान दीजिएगा कि भोला पूछे जाओ उनको। भोले बाबा ध्यान दे रहे तुमको, पता ना कहो ना कि भोले बाबा, हे भोले बाबा ध्यान दे। और ध्यान दे दी कि और कुछ दी, ध्याने दी क्या कुछ दी? अभी भी अभी धान दौलत कुल दे दे। गजब लाल छी लड़का है भाई, बीवियों भी मांग रहा है धन दौलत सब कुछ मांग रहा है। एक ही चीज मांगो, पहले बोले बाबा एक चीज दे दे, उसके बाद फिर धीरे धीरे तो मांगते ही रहना। आओ उधर से चल के आओ कि भोला पूजी जा उनको। थोड़ा समाज नहीं जानिए तो पता चलेगा कि आप लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इधर से जितने भी हमारे दर्शक हैं इधर खड़े हैं बैठे, थोड़ा चिल्लाइए ना एक बार, थोड़ा सा और आवाज लगाइए। अभी कुछ लोगों का आया है, तो यही थोड़ा आवाज आप लोग इधर से म्यूजिशियन वाली आवाज जो इधर से म्यूजिक आती है आप लोगों का आवाज इधर से निकालिएगा, निकालिएगा ना पक्का। तो जब भी आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा वाह वाह वाली, जब शायरी बोली जाती है तो वाह वाह कहा जाता है ना कव्वाली वाला, वैसे ही लड़का आता है दरबार में कहता है क्या कि भोला पूजी जा उनको। भूल गए चिल्लाना था कि नहीं चाहिए, जरा हाथ उठा करके बता दीजिए किन्हीं किन्हीं किसी को नहीं चाहिए। अच्छा उनको चाहिए, आपको चाहिए ना, तो जरा मेरे साथ हाथ उठा करके भक्ति में लीन होना है। सभी लोग थोड़ा सा हाथ उठा, जो कैमरा लिए हुए अपने हाथ में फोन लिए, एक ही हाथ उठा लीजिए, थोड़ा एक ही हाथ उठा करके बाबा के लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं बाबा के लिए, भोले बाबा के लिए कि भोला पूजे जा उनको।
ये मिल रहा है कि सब होके हुनर में हजारों चाहे सुना एक लड़का की तो फरमाइश हो गई है कि सब हो गए मुजारू सही सुन ऐसे ही लड़कों लड़कों में दोस्ती बड़ी ज्यादा होती है तो एक लड़का और जाता है बहुत के दरबार में लड़का से कहता है कि देखो आज यार तुमने तो बोला कि सब हो गए हुनर मुजारू सही सुन लेकिन मेरी भी बातें सुनो मुझे जानते हो तुमको एक बात बताता हूँ तुमको तो दिल्ली मिल जाएगी लेकिन मुझे जानते हो क्या करना पड़ेगा पेड़ के पतैया पे कर अच्छा इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं आप लोगों को पता है ना बेल के पतैया पे कर सिग्नेचर मेहरारू मिली आपको चुचुनर चाहिए बाबा बाबू बहुत मांगता है जी बताइए इनको ऐसा मत बोलिए बाबा के दरबार में आए बहुत भोले होते हैं कुछ भी नहीं चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है भोले बाबा के दरबार में नो गारंटी नो गारंटी है ना बाबा बोल भी रहे कि हाँ भक्त तो जो मांगना है सोच समझ के मांगिएगा वरना जहाँ बोले कि तथा अस्तु तो फिर हो गया सब कुछ और ये बहुत ही अच्छा इनाम डॉक्टर चंदन कुमार जी मवेशी प्रभारी बीएससी प्रभारी जिनके तरफ से बाबा के दरबार में अभी तक का सबसे बड़ा अर्दाश आया है 501 रुपए का इनाम आया है कोई बात नहीं जो भी इनाम देते हैं अगर उनका नाम गलत हो जाए तो घबराने की बात नहीं आप दोबारा पैसा लेकर ठीक करवा लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद इस इनाम के लिए ये आशीर्वाद है आपका ये प्यारा आशीर्वाद है जो कलाकारों के प्रति आप लोग प्यार अपना देते हैं तो भगवान जो 500 से दे रहे हैं भगवान उनको 500 लाख दे आपकी झोली ऐसी आज क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिन है जो आज लक्ष्मी माँ के दरबार में माँ लक्ष्मी को आज सुनने के लिए आया है इस जागरण में आज आप लोग उपस्थित हैं तो माँ सबकी भंडारे भरी रहे ऐसी कहना है क्या भोले बाबा लड़का बोल रहा है कि बेल के पतैया बाबा उनको लेकर क्या आना रूपेश जी को लेकर क्या तुम्हारे दोस्त सब कोई मेरा तो सुंदर चाहता है लेकिन ये जानते कैसे कहते हैं मेरी भी बहुत सुंदर है अच्छा है हाँ। तब तो फिर आप रिटायर क्योंकि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी वो उससे सुखी मैं उससे सुखी किसी दिन गांधी से तुझे नीचे कूद जाए फिर वो भी सुखी और मैं भी सुखी चाचा हंस रहे ऐसा लगता है कि चाचा का भी घर में हालत ठीक नहीं है ओहो अच्छा तो ये क्या करेंगे